अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ के खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा नींद पूरा हो चुका था और मुझे उठना था, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना ही बनाया जाए। अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, ये पनीर रखा है फ्राई करने के लिए। यहाँ बन रहा है साग और इस पे चढ़ा हुआ है मटर, मटर पनीर बनेगा। आज का सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है क्योंकि भाभी का तबीयत खराब है, भाभी को फीवर लग गया है, इसीलिए सारा रोटी मुझे ही बनाना पड़ा। और आप जानते हैं कितना रोटी बनता है मेरे घर में? 60 पर डे, पर डे 60 रोटी। मुझे तो आदत है नहीं, मैं थक गई हूँ बनाते बनाते रोटी, इसीलिए मैं आज सुबह 5 बजे उठी, पहले सब्जी बनाया, फिर बाकी जो काम था वो किए, फिर नहाए और अब फाइनली हम रोटी बना रहे हैं। ये देखिए कितना सारा रोटी बना है, ये देखिए, ये देखिए। और अब थोड़ा सा बचा हुआ है बनाने के लिए, फिर मैं हो जाऊंगी फ्री। किचन साफ करना है, बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह, क्योंकि सबको दुकान भी जाना है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन देखने के लिए। खाना बनाकर आ गई और अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि आज क्या है, क्यों हम सवेरे उठ के सारा काम करके ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि आज है तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी। आप लोग जानते हो या नहीं बट बता दूं कि आज के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और तुलसी माता और शालिग्राम दोनों का विवाह भी किया जाता है, इसीलिए इसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। तो मेरे घर में सारे लोग आज, सारे लोग तो नहीं क्योंकि मम्मी से नहीं हो पा रहा था, तो दोनों भाभी आज पूजा करेंगी। तो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से सजावट किया जाता है और ब्लॉग बन इसमें क्या क्या किया जाता है और किस तरह से पूरा पिठार से रंगोली बनाया जाता है और किस तरह तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है और पूजा की जाती है। तो ब्लॉग में बने रहिए, पहले चलिए हम आप लोगों को दिखा। देखिए पूरा रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे पूजा की तैयारी होगी, तो आगे मैं दिखाती हूँ कि भाभी क्या क्या तैयारियाँ करती हैं। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि रंगोली कैसी बनी है। और ये मेरे घर का आंगन है जो छत से दिखता है, मैं अभी नीचे नहीं गई हूँ क्योंकि अभी रेडी नहीं हुई हूँ, रेडी होंगी तब नीचे जाऊँगी और आप सबको पास से दिखाऊँगी कि रंगोली कैसी बनी है और कैसी लग रही है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। फाइनल लुक, और आज मैंने ये साड़ी पहनी है और अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या तैयारी हुई है। तो लेट्स गो, तो चलते हैं अब हम नीचे, लेट्स गो। ये देखिए, ये है हमारे घर का तुलसी चौरा और यहाँ पे पूजा हो चुका है, अब नीचे पूजा होगा। ये है हमारे नीचे के घर का मेन गेट। दिवाली अपन, चल अपनी दिवाली यहाँ, छोटा अपने तो क्या करते हैं।
सोचे, सब जगह तो लगाए तुलसी, यहाँ भी डब्बा में है, उसको इधर का ही ले लेंगे, इसकी पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं राशि से, हाँ उसमें पानी डालते हैं, इधर जाए, इधर जाओगे, इधर आओगे, नींद बाबा, नहीं इधर रात में नहीं इधर चमकी वाला तो काफी मुझे आई चमकी वाला दूध तू शादी लगा क्या नारी के सोबा शादी एक बार जब हो जाए हो तो बताइए कौन योगा इस सलवारे पहने और यहाँ ये दोनों गीत गा रही हैं यहाँ चल रहा है दादी पोती का प्यार Ebronics for life.
चेंज करूंगी और फिर खाना बनाएंगे। चलेंगे आप लोग भी मेरे साथ ऊपर? चलिए। ये है जाने का रास्ता, इधर से है सीढ़ी, ये रहा सीढ़ी और ये रहा मेरा घर।
ये मेरे रूम का खिड़की और ये रास्ता। लेट्स गो। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना साइड साइड, ये मैंने ही पिछले दिवाली पे बनाया था, इस साल तक चल रहा है बट लगता है कि अब छूट रहा है। ये आ गई डेजी। चलो अंदर डेजी। डेजी चलो 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 चले रूम में, चले चलो चलो रूम में, चलो चलो चलो। ये मेरा रूम और ये देखिए ये पेंटिंग मैंने बनाया। चलो तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूं। ओए बेरी प्यार कर रही है हमको, अब इसको प्यार करने के लिए भी टाइम चाहिए, प्यार करने देते हैं, तब तक आप लोग व्लॉग्स को एंजॉय करिए।